कानपुर देहात के अकबरपुर के अंतर्गत एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुई मोबाइल लूट की घटना का 48 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शातिर बदमाशों की निशानदेही पर लूटा हुआ मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। तो वहीं पुलिस शातिरों से पूछताछ कर रही है। मूल रूप से जौनपुर में रहने वाले ट्रक ड्राइवर राजकुमार ने गुरुवार को थाना अकबरपुर पहुंचकर पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि सड़क किनारे ट्रक खड़ा करके वह मोबाइल फोन से बात कर रहा था। इसी दौरान अज्ञात दो बाइक सवार युवक तेजी के साथ उसके पास आए और उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लुटेरे काफी दूर जा चुके थे, लेकिन इस दौरान ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया और पुलिस को दी गई तहरीर में मोटरसाइकिल के नंबर की भी जानकारी दी। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर राजकुमार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि 48 घंटे के अंदर लूट की घटना का खुलासा करते हुए मूल रूप से रनिया के रहने वाले शातिर अरुण व उसके साथी विशाल को मुखबिर सूचना पर रनिया से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपियों के पास एक बाइक भी बरामद हुई और पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने घटना को बोलते हुए चोरी किए गए मोबाइल को भी पुलिस को बरामद करवा दिया। वहीं सीओ अकबरपुर प्रभात कुमार ने बताया कि थाना अकबरपुर टीम पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना करित करने वाले दो साथी लुटेरों को एक मोबाइल व एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।